पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपीसीएल में कर्मचारियों के भविष्य निधि के निवेश में हुए भ्रष्टाचार पर कहा कि फाइनेंस कंपनियों में निवेश का फैसला एक दिन में नहीं लिया जाता, ना ही एक दिन में लिया गया है। इसकी पटकथा 2014 में सपा राज में ही लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि हम इस बड़े घोटाले की जांच करा रहे हैं। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉयज ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की जीपीएफ एवं सीपीएफ की धनराशि निजी संस्था में नियम के विरुद्ध सावधि जमा करने वाले तत्कालीन सचिव ट्रस्ट एवं तत्कालीन निदेशक वित्त के विरुद्ध थाना हजरतगंज लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एफआईआर हुई है और दोनों को रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आप बिना होमवर्क किए बोलते हैं और आपको शायद इस बात का आदेश नहीं है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं खड़ा कर रहे। आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको नहीं है। आप आरोप लगाने से पहले आपने होमवर्क भी नहीं किया। जिनको भ्रष्टाचार में जो माहिर हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो कुख्यात हैं, ऐसे दल के नेताओं का योगी जी की सरकार पर टिप्पणी करना हास्यास्पद ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। और खासतौर से शहजादे और शहजादी